हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फायर इफेक्ट वाली वीडियो किस तरह से बनाई जाती है, वो भी बिना पिक्सेल ऐप यूज किए। जी हाँ दोस्तों, बिना पिक्सेल ऐप यूज किए मैं आपको फायर इफेक्ट वाली वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ साकिब मुल्लानी और आप देख रहे हैं एसएम टेक्नोलॉजी। फायर इफेक्ट वाली वीडियो बनाने के लिए आपको काइन मास्टर और पिक्सआर्ट की जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ओपन करना होगा। पिक्सआर्ट में यहाँ से आप इमेज चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इमेज चूज कर लेता हूँ। यहाँ से आप टूल्स में जाइए, टूल्स में जाके आप जितनी इमेज चाहिए वहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। मुझे जितनी चाहिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इसके बाद आपको इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद कलर ऑल ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट, इस पर क्लिक करना है। और फिर से एक बार क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप ब्राइटनेस या ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप इमेज देख के कर लीजिए। मैं यहाँ पे जिस तरह से इमेज है उस तरह से सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बस इतना ही करना था आपको, सिर्फ इमेज ब्लैक एंड व्हाइट करने। बाद में यहाँ से हम सेव कर लेंगे इमेज। यहाँ मैंने गैलरी में इमेज सेव कर लिए। तो आप हम काइन मास्टर ओपन करते हैं। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको 9:16:9 रेशियो सेलेक्ट करना है। आप फुल स्क्रीन बनाना चाहे तो 9:16 भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 16:9 में यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मीडिया, मीडिया पे आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड आपको ब्लैक रखना है। ब्लैक रखने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो चूज करना है फायर इफेक्ट वाला, जिसके डाउनलोड की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ से जो हमने पिक्सआर्ट में इमेज यूज की थी उसे क्लिक करना है, यहाँ पे ले आना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊपर हमने बैकग्राउंड लिया था उसकी लेंथ वीडियो के अनुसार आप जितने भी चाहिए वीडियो की लेंथ उस अनुसार रख सकते हैं। उसके बाद ये इमेज की भी लेंथ बढ़ा दीजिए यहाँ से। उसके बाद आप इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे डार्कन, ये डार्क वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो देखिए इमेज हमारी जो ब्लैक वाला पोर्शन है वही आप दिखेगा। आपको मैं इमेज प्ले कर देती हूँ, वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से ये दिखाई देगा। यहाँ से आप चाहे तो वीडियो एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जहाँ भी फायर इफेक्ट चाहिए उस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। आपको पिक्सल आप जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि यहाँ पे ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन आता है इस काइन मास्टर में। तो आपको पिक्सल आपकी कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से डायरेक्टली इमेज चूज करके ब्लेंडिंग ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन है जो मैं आपको काइन मास्टर दूंगा उसमें ये वाला ऑप्शन है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और याद रखिए ये ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन आपको मिलेगा तभी आप ये सब कर पाएंगे, वरना ये फायर वाला इफेक्ट आप पिक्सल ऐप में फिर एडिट करना होगा इमेज और फिर आप कर पाएंगे। तो यहाँ से आप वीडियो सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो प्ले हो गया है। इस तरह से फायर इफेक्ट ऐड हो जाए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वाला वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।